Zing. करीना ने सेंटर लीला भंसाली की फिल्म रामलीला से ऑप्ट आउट कर लिया है। ये खबर आज ऐसा डेवलपमेंट लेकर आई है जिसे देखकर लगता है कि अब संजय लीला भंसाली और करीना के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। जी हाँ, एक इंग्लिश डेली ने इस खबर के संजय लीला भंसाली के पहलू को सामने रखते हुए कहा है कि रामलीला से करीना ने डेट एंड मनी इश्यूज को लेकर ऑप्ट आउट नहीं किया, बल्कि संजय ने उन्हें ये कहकर अपनी फिल्म से निकाल दिया कि उनकी फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर मैरिड हीरोइन नहीं प्ले कर सकती। इस खबर में संजय के क्लोज सोर्सेज ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए हैं। हालांकि इस खबर में संजय की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि करीना का उनकी फिल्म से ऑप्ट आउट करने से उनका ईगो हर्ट हुआ है और अब उन्होंने अपनी जेब उतारने के लिए ये कह दिया कि करीना शादी करने जा रही हैं और एक शादीशुदा लड़की उनके फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकती। संजय के क्लोज सोर्स के मुताबिक विद इमेजेस ऑफ अ वेडिंग फेस्टिविटीज फ्लैशिंग ऑल ओवर इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर करीना टू पास हरसेल्फ एज अ गुजू जूलियट डिस्पाइट हर ग्रेट टैलेंट। दरअसल संजय की फिल्म रामलीला है रोमियो एंड जूलियट का गुजराती वर्जन, जिसमें करीना को प्ले करना था जूलियट का कैरेक्टर। संजय के मुताबिक जूलियट का रोल सिर्फ अनमैरिड एक्ट्रेस ही प्ले कर सकती है, लेकिन बेबो कर रही है अक्टूबर में शादी। करीना की माने तो उन्होंने संजय को शूटिंग के लिए 100 डेज दिए थे, लेकिन भंसाली को और ज्यादा डेज चाहिए थे, जिसे देना बेबो के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि अक्टूबर में फिल्म हीरोइन के प्रमोशंस और उसके बाद 3 नई फिल्मों के लिए बेबो डेट्स पहले ही दे चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भंसाली एक्स्ट्रा डेज की पेमेंट को लेकर भी क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से करीना ने उनकी फिल्म ही छोड़ दी। करीना ने फिल्म छोड़ी या संजय ने करीना को निकाला, ये तो ये दोनों ही जाने, लेकिन इस तूतू मैमे में कौन सी एक्ट्रेस रामलीला में अपनी लीला दिखाने का चांस ग्रैब करेगी, ये देखना अब सबसे दिलचस्प होगा।